Hello friends, today we discuss about how to convert ratio into percentage. Okay, so now look at the step how to convert ratio into percentage. So when we convert the ratio into percentage, we follow the step. According to step number first, firstly we write the ratio into the fraction form. Students, अगर मैं किसी ratio को percentage में change करना है, तो उसके लिए जो ratio already में दिया गया होता है question में, उसको हम fraction के form में write कर लेते हैं. Okay? इसके बाद step number two में, step number two के according उस fraction में हम 100 से multiply कर लेते हैं और percentage का symbol वहाँ पे लगा देते हैं. ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे. देन स्टेप नंबर 3, ऑन सिंपलीफाइंग वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परसेंटेज. इसके बाद हम इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करके सिंपलीफाई कर लेते हैं. और इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी नंबर हमें मिलते हैं वो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज होते हैं. वाइल एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं. नरोपेट एग्जांपल, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज. ओके, द फर्स्ट रेशियो इज 3:4 एंड नंबर बी इज 2:3. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. The given ratio is 3:4. Okay, according to the step number first, we write the ratio into fraction form. 3:4 are 3/4. I say because you know that ratio can be changed into fraction form. Okay, हम जानते हैं ratio को हम fraction में इस तरह से लिख सकते हैं. तो हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे राइट कर लेंगे. अब इसके बाद इस 3/4 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करके यहां पे परसेंटेज का सिंबल लगा देना. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. अब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे. 4 × 4 एंड 4 × 2 = 8. 2 इज द रिमाइंडर. 2 × 0 = 20. 4 × 5 = 20. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 × 3 = 75. So this is equal to 75%. This is equal to 75%. Okay. Friends, next method number 7. Okay. Percentage or sorry ratio को percentage convert करने के लिए ये method है. इसके अलावा एक और भी method है. तो उस method number 7 को आप देखो. जो भी फ्रैक्शन, जो भी रेशियो आपको दिया है उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करना है, यानी 3:4 आप 3/4. इस तरीके से हमने इसको फ्रैक्शन में पहले राइट कर लिया है. अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिए. डिनोमिनेटर को हमें 100 के रूप में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमें जाहिर सी बात है किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 100 में बदल देते हैं, 100 ला देते हैं, तो फिर उसका न्यूमरेटर जितना भी होगा उतना वो परसेंट कहलाएगा. ओके, क्योंकि आप मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी नंबर्स 100 में से जितना होती है वो उतना परसेंट होती है. तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 बना दें तो न्यूमरेटर 100 में से जितना भी होगा वो उतना परसेंट होगा. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को 100 बना सकते हैं. इसके लिए हमें 4 में 25 से मल्टीप्लाई करना. तो जब हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना है. 25 × 4 = 100 होता है, इसलिए 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ लुक हियर, 25 × 3 = 75 एंड 25 × 4 = 100.
this is equal to 75.100. Now you look here, the denominator of this fraction convert into 100 and the numerator is 75. So we can say that this is 75 out of 100. 75 out of 100 means 75%. It is written as 75%. This is the answer. So this same answer you obtain. If you write the ratio into percentage in any methods, you will find the same answer. Okay, here is 75% and there is also 75%. This is so next they are the different methods. Next question number B. Number B. The given ratio is 2:3. It can be written as 2/3. Now, according to the method number first, 2/3 is multiplied by 100 and then put the symbol of percentage. Look here, this is 2 × 200, 2 × 100 is 200/3%. We know that 200 is not divisible by 3, but we write in mixed fraction form. 3 is 18 form. Okay, so this is also said to be percentage. Okay, so method number first according, जो रेशियो है उसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है और इस फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 100 × 2 मीन्स 200/3%. 200 तो इसे डिविजिबल नहीं है, फिर भी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज 66/3%. ओके, तो आप चाहे तो इसे मेथड नंबर सेकंड के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेथड नंबर सेकंड जब आप फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर है 3 और ऐसी कोई नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 100 को 3 से सॉरी ऐसी वो कौन सी नंबर है जिससे हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 के बराबर हो जाए. तो ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा मुश्किल करना पड़ेगा, यानी इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है. आप इससे अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो एक्सरसाइज में जो इस तरह के क्वेश्चन हैं उसे आप सिंप्लीफाई करिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.